स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में विटामिंस। तो विटामिंस क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि विटामिंस आया कहां से, वर्ड कहां से आया। विटामिंस ये आया है विटामिन से। अब विटामिन जो है वो आगे टू से मिलकर बना है, टू वर्ड से, दैट इज विटा एंड मर। सो विटा का मतलब क्या होता है? वाइटम मतलब होता है एसेंशियल, एंड मर का मतलब मॉलिक्यूल। वाइटा मतलब वाइटल, वाइटल वाइटा का मतलब है वाइटल, वाइटल से आया है, और वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, और मर आया है मॉलिक्यूल से। सो मॉलिक्यूल कौन से यूज होते हैं? दैट इज अमाइंस। तो जो एसेंशियल अमाइंस है, जो एसेंशियल अमीन्स है हमारी बॉडी के लिए, उनको हम बोलते हैं वाइटामिन। So, क्या आया विटामिन कहां से आया? वाइटा प्लस मर से, और वाइटामिन का मतलब क्या होता है? एसेंशियल अमाइंस। सो विटामिन डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ये क्या है? पोटेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पोटेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एसेंशियल है फॉर नॉर्मल ग्रोथ इन एनिमल्स के अंदर एंड इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या किसने पोटेंट, क्योंकि वे खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जब जो चीज वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते वो हम आउटसाइड से देते हैं, एक्सटर्नली इनटेक करते हैं। सो क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं लाइफ ऑफ एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की, जो खुद से सिंथेसाइज वो नहीं कर सकते। अब इनको क्या किया गया है? विटामिंस को उनके सोल्युबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है पार्ट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे ये टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, फैट सोल्युबल विटामिंस एंड वाटर सोल्युबल विटामिंस, दैट इज फैट सोल्युबल विटामिंस एंड वाटर सोल्युबल विटामिंस। फैट सोल्युबल विटामिंस कौन से होते हैं? फैट सोल्युबल से हम याद रखेंगे एडेक, एडेक मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो एडेक कौन से हैं? फैट सोल्युबल विटामिंस। हमें इन सबके इनके केमिकल नेम्स याद रखना है, केमिकल नेम्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनसे याद रखना है। सो कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए, विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आईज के लिए। सो आईज के में क्या होता है? रेटिना, रेटिना से हम याद रखेंगे रेटिनो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी मेनली इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, बोन्स और टीथ के लिए। बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम से याद रखेंगे कैल्सिफेरॉल, ठीक है। देन आता है विटामिन ई, ई से कैसे, जैसे क्या करते हैं किसी को टोकते रहते हैं, आ ई ई ई करते रहते हैं, सो उससे हम याद रखेंगे टोकोफेरोल्स, ई से टोकोफेरोल्स। एंड विटामिन के होता है फार्माकोनोन, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सा ही नाम है तो फार्माकोनोन ही वैसे याद रख लेंगे। फिर आते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन, वो कौन से हैं? विटामिन बी, विटामिन बी जो है वो आगे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे थायामिन हो गया बी वन, विटामिन बी को बी वन को हम बोलते हैं थायामिन, राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू, नियासिन विटामिन बी थ्री, पाइरिडॉक्सिन विटामिन बी सिक्स एंड साइनोकोबालामाइन विटामिन बी ट्वेल्व। विटामिन सी, जैसे विटामिन सी कहाँ कहाँ मिलता है हमें पता है कि किसमें? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, जो इस तरह के कर्ड होगी, दही होगी, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन सी। सो विटामिन सी में हम कह सकते हैं नॉर्मली कि क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड हम उसको बोल सकते हैं। विटामिन एच जो बायोटिन, उसको हम बोलते हैं बायोटिन। विटामिन एम होता है वो फोलिक एसिड। सो ये इनके क्लासिफिकेशन है, उनको उनकी सोल्युबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है फैट सोल्युबल विटामिन के अंदर एंड वाटर सोल्युबल विटामिन के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट? विटामिन ए का मेन नाम क्या है? रेटिनोल। ऐसे विटामिन ए जो है वो भी आगे ए वन और ए टू में डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो विटामिन ए जो है रेटिनोल के नाम से और हाइड्रोक्सी रेटिनोल के नाम से ए वन और ए टू जाना जाता है। सो विटामिन ए क्या होता है? फर्स्ट जो हमारे पास है सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो है विटामिन ए। फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन, सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे उनमें सबसे पहले डिस्कवर हुआ था विटामिन ए। इसको इसको ग्रोथ हॉर्मोन्स, ग्रोथ जो विटामिन है वो भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली रैट्स के अंदर ज्यादातर ग्रोथ में हेल्प करता है। So, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हॉर्मोन्स ऑल्सो।
ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हॉर्मोन्स। इसके बाद इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी रेटिनोल। जैसे विटामिन ए A1 में तो सीधा रेटिनोल हो गया, जब A2 प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसमें, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी रेटिनोल। फिर उसके बाद हमारे पास विटामिन ए क्या करता है, ये एंटी सेरोथैलमिक प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी सेरोथैलमिक फैक्टर होता है इसके अंदर जो मेनली यूज होता है क्या ट्रीट करने के लिए, जेरोथैलमाइन। जेरोथैलमिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, विटामिन ए का। जेरोथैलमिक फैक्टर शो करता है इसलिए इसको यूज करते हैं जेरोथैलमिया के अंदर। अब इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है विटामिन ए के अंदर, A1 के अंदर रेटिनोल बोलते हैं हम उसको। साइक्लिक पॉलीइन अल्कोहल होता है, साइक्लिक पॉलीइन अल्कोहल। और जो विटामिन A2 होता है 3-hydrodihydroretinol, विटामिन A2 को हम बोलते हैं 3-dihydroretinol। उसमें एक एडिशनल डबल बॉन्ड होता है, वो क्या करता है जो रिंग प्रेजेंट होती है उनके बीच में क्या होता है एक एडिशनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है 3 and 4 पोजीशन पे। ये इनका थोड़ा सा डिफरेंट क्या है डिफरेंस A1 और A2 का, हमें इनके स्ट्रक्चर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देन क्या करता है जो विटामिन A2 है वो लेस बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी उसकी कम है देन विटामिन A1 से। एक होती है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमें मेनली टोमेटोज के अंदर, कैरेट्स के अंदर, इनके अंदर मिलता है। तो बीटा कैरोटीन देता है दो मॉलिक्यूल्स देता है विटामिन A1 के, जब वो उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं तब वो देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन A1। सोर्सेस क्या क्या है विटामिन A1 के, विटामिन A1 हमें मिलता है फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर कौन सी, हेलीबट, शार्क, इनसे हमें क्या मिलता है विटामिन A1। उसके अलावा मिल्क से, एग से, एग योक से, कैरेट से, मैंगो से, टोमेटो से, इनसे हमें मिलता है विटामिन A1। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जाके बैठो,
कहाँ से मिलता है, ये हमें शो करता है एंटी आरेक्टिक की प्रॉपर्टीज, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टीज। एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टीज इसलिए इसका नाम पड़ा है मार्कस विटामिन डी, जो यूज किया जाता है टू ट्रीट द डेफिशिएंसी डिजीज को, जैसे रिकेट्स, रिकेट्स होता है यंग्स के अंदर जो रिकेट्स होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है विटामिन डी। यंगर्स के अंदर जो रिकेट्स होता है और ऑस्टियोपलासिया होता है, जो हमारे ओल्ड एज के पर्संस होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोपलासिया होता है, तो मेनली यूज किया जाता है रिकेट्स को ट्रीट करने में। कैल्सिफेरॉल है, कैल्सिफेरॉल नाम इसलिए आया क्योंकि इसका कैसा होता है, बोनी स्ट्रक्चर्स होता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है इसके अंदर। अब विटामिन को आगे, विटामिन को भी डी को भी क्लासिफाई किया गया, डी टू होता है, डी थ्री होता है। अब जो डी टू है उसको तो हम बोलते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल, मेन तो क्या है इसका कैल्सिफेरॉल है, तो विटामिन डी टू होता है वो होता है एर्गो कैल्सिफेरॉल, जो बनता है एर्गोस्टीरोल से। एर्गोस्टीरोल, स्टीरोल्स कौन से होते हैं, जो फोर मेंबर रिंग होती है वो होते हैं हमारे पास स्टीरोइड्स। सो एर्गोस्टीरोल्स होता है विटामिन डी टू, एंड विटामिन डी थ्री होता है कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी थ्री। सो वो यूज होता है हमारे पास डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल के, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल में यूज होता है विटामिन डी थ्री। अब इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ का, ये सोर्सेस क्या क्या है, मिलता कहाँ कहाँ से हमें, सोर्सेस मेनली सनलाइट से और फिश लीवर ऑयल से और जो ये क्या कहते हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए इनसे मिलता है, यीस्ट हो गया, बटर मिल्क इनसे मिलता है हमें विटामिन डी। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, विटामिन डी टू एंड विटामिन डी थ्री दोनों ही मिलते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस। सोल्युबिलिटी क्या क्या है, ये सोल्युबल होते हैं हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर, ज्यादा अल्कोहल के अंदर सोल्युबल है, वाटर के अंदर सोल्युबल है, इन सोल्युबल है इथर के अंदर, सोल्युबल इन अल्कोहल बट इन सोल्युबल इन वाटर एंड इथर। देन आते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, तो इसको ये क्या होता है, डार्कन्स हो जाता है जब एक्सपोजर इन एक्सपोजर ऑफ लाइट, डार्कन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन एन एयर टाइट कंटेनर्स। देन आते हैं इसके यूजेस, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरोल्स।
तो क्या होते हैं ये विटामिन ए के आगे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं आगे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग वर्क करते हैं। अब जो क्या है मेनली यूज होता है विटामिन ए रिप्रोडक्शन इन रैट्स, जो रैट्स के अंदर मेनली रिप्रोडक्शन में यूज होता है। और एंटीसिटिलिटी, एंटीसिटिलिटी क्या करता है एंटीस्टेरिलिटी एक्शन शो करता है। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या क्या है, मिलता कहाँ कहाँ से विटामिन ए, सोयाबीन्स होगी, कॉटन सीड्स होगी, इनसे हमें क्या मिलता है विटामिन ए, जो वीट हो गए, राइस हो गए, मेज होगी, सीरियल्स हो गए, ग्रीन लीव्स होगी, तो वो क्या है इसके अलग अलग सोर्सेज है। क्या हो गए वीट, वीट एंड ग्रेन्स, सीरियल्स, सो ये क्या है हमारे अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल्स होगी। ये क्या है सोर्सेज हमारा विटामिन ए के, मेनली सोयाबीन में और जो हमारे पास कॉटन सीड्स है उनके अंदर भी ये मिलता है विटामिन ए। उसके बाद आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसा मिलता है, हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर स्लाइटली जो ग्रीन येलो कलर का, ग्रीनिश येलो क्लियर होता है, ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्यूशन, थोड़ा सा विस्कस होता है, विस्कस ऑयली लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे क्लियर, ग्रीनिश येलो, विस्कस, ऑयली लिक्विड, विस्कस ऑयली लिक्विड की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्युबिलिटी क्या है जब सोल्युबल है अल्कोहल के अंदर एंड फिक्स्ड ऑयल्स के अंदर। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, जब हम इसको हीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये हमें इसका जो येलो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्रिक रेड। ब्रिक रेड कौन सा होता है, जो ईंट जैसा कलर होता है रेड कलर, वैसा वैसा चेंज हो जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में, इसलिए हम इसको रखेंगे एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूज क्या क्या है, एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है विटामिन ई, एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर। उसके बाद ये जो स्केलेटल मसल्स की स्मूथनेस के लिए यूज होता है, इन क्या करता है मेन फंक्शन शो करता है स्मूथ मसल्स के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर। टू प्रिवेंट होमोलैटिक एनीमिया, होमोलैटिक एनीमिया में यूज होता है। डोजेस फॉर्म क्या क्या है, विटामिन ई के टैबलेट्स बनते हैं, मेनली विटामिन ई यूज होता है, जो इसके ग्रीन कलर के टैबलेट्स आते हैं, जैकोविट के विटामिन ई के टैबलेट्स कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स बनते हैं, इसके कैप्सूल्स बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं विटामिन ई के। उसके बाद क्या है जो मिलता किस नाम से, ब्रांड नेम क्या है, ये मिलता है कैरोपिन मसाज ऑयल, आपने सुना होगा कैरोपिन मसाज ऑयल, कियोकार्पिन जो है कियोकार्पिन मसाज ऑयल। कियोकार्पिन क्या है, एक ऑयल आता है उसके नाम से मिलता है कियोकार्पिन के नाम से और वाइटा ई के नाम से मिलता है। देन हमारे पास आता है विटामिन के। अब विटामिन के कहां से मिलता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, विटामिन के प्रॉपर्टीज क्या क्या है,
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, उसके बाद ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबल इन वाटर, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। जब हम इसको ट्रीट करते हैं विद, अगर हम इसको ट्रीट करें विद मेथनॉलिक KOH, मेथनॉलिक KOH क्या होता है, जिसके अंदर CH3CO, जो जिसके अंदर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एक मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, अगर हम उसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या देगा, ग्रीन कलर का, हमें ग्रीन कलर शो करेगा, शोज ग्रीन कलर, जो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा पर्पल में और उसके कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में, वहीं पड़े पड़े अगर उसको ना छेड़े तो वो फिर पर्पल में चेंज हो जाएगा और देन रेडिश ब्राउन में। अब इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, डार्कल्स हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट, इसलिए इसको किस में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस किस किस में है, मेनली तो वाइटमिन के हमारे बॉडी के लिए यूज होता है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, बट इसका जो हमारे पास विटामिन के है वो रेडियो सेंसिटाइजर के तौर पर यूज होता है टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए एज अ रेडियो सेंसिटाइजर यूज होता है। देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या क्या है, फाइटोमेनाडायोन्स के बनते हैं इंजेक्शन एंड फाइटोमेनाडायोन्स के टैबलेट्स, विटामिन के वन है जो फाइटोमेनाडायोन के इंजेक्शन एंड फाइटोमेनाडायोन्स के टैबलेट्स, ब्रांड नेम किस नाम से मिलता है, सोयल के नाम से एंड गाइनोसेडन, सोयल एंड गाइनोसेडन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। सो विटामिन के सोर्सेज ने हमने कहा सोर्सेज क्या क्या, ये भी किससे मिलता है हमें, फिश लीवर ऑयल से, व्हीट ग्रेन से एंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनसे मिलता है। सो आज हमने किए हैं फैट सोल्युबल विटामिंस, विटामिन ए डी ई के, ये याद हो जाएंगे, मैंने बहुत आसान तरीका बताया याद करने का। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर सोल्युबल विटामिंस, थैंक यू।